हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है विकारम और आप देख रहे हैं बीआरबी फोटो वीडियो। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं वेडिंग वीडियो ग्रीन स्क्रीन रिमूव। दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है, और आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। दोस्तों हम हैं जो काइन मास्टर पर आ गए हैं, काइन मास्टर की स्क्रीन पर, और यहाँ पर 60.9 आपको सेलेक्ट कर लेनी है स्क्रीन साइज़, और यहाँ पर मीडिया ब्राउजर सेलेक्ट करने। मीडिया ब्राउजर सेलेक्ट करने के बाद में आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं ये ब्लैक वाला बैकग्राउंड है इसको ले लेता हूँ, और जितना आपको वीडियो रखना है उतना बैकग्राउंड को लेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मैं लेयर कर देता हूँ इतना। इसको लेयर करने के बाद में आपको क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक कर देना। मीडिया पर क्लिक करने के बाद में आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो सेलेक्ट करनी है, तो मैं ये वाली ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको ग्रीन स्क्रीन बनानी है। तो इसको क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन है इसको हम रिमूव करेंगे, तो आपको क्या करना है, क्रोमा की पर क्लिक करना है और यहाँ से ग्रीन स्क्रीन है इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, रिमूव करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर तो एक्स्ट्रा पार्ट्स है हमारे बैकग्राउंड का, इसको मैं है जो यहाँ से हटा देता हूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ से इसको ऐसे करना है और फिर लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक कर देना है। ठीक है, मीडिया पर क्लिक करने के बाद में आपको फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो पहले वाली फ्रेम में जो वोट में एक फ़ोटो फ्रेम चल रही है, इस पर आपको इस तरह की फ़ोटो है जो आप कपल्स की दोनों के साथ में हैं तो फ़ोटो को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो पहले लेयर कर दीजिए उस हिसाब से जितना आपका वीडियो है, तो वीडियो के हिसाब से लेयर कर दीजिएगा। लेयर करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और इसकी साइज़ है इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और थ्री डॉट पर क्लिक करके सेंड टू बैक कर देना है, तो थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से सेंड टू बैक कर दीजिए। सेंड टू बैक करने के बाद में तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको जूम आउट कर देना है और यहाँ पर इस तरीके से आपको रख देनी है। ठीक है, रखने के बाद में क्या करना है, आपको साबिक आइकन दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, और वहाँ पर क्लिक करके प्लस आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ पर सेट कर दीजिएगा। फिर जैसे जैसे वोट चलती जाए उसको फ़ोटो को आपको ले जाना है और प्लस आइकन पर क्लिक करते रहना है। ठीक है, और फ़ोटो को एडजस्ट भी साथ में करते रहना है। ओके, तो इस तरीके से तो थोड़ा सो राउंड अप भी कर दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि फ़ोटो राउंड अप नहीं है तो इसको राउंड अप कर दीजिएगा, और कपल्स के साथ वाले फ़ोटो है जो इस वोट में आप इस तरीके से लगा दीजिएगा। तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद में आपको दोबारा सेम प्रोसेस करना है और प्लस आइकन पर क्लिक करना है, और प्लस आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इस तरीके से ले जाना है, यहाँ पर इस तरीके से सेट कर दिए। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, थोड़ी लंबी ज़रूर है, पर वीडियो को ज़रूर देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगी घंटी को दबाकर ऑल कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और आप जो है वो लाइक और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। तो आप जो कमेंट करते हैं उससे हमें मोटिवेशन है और नए वीडियो लाने में हमें मदद मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या करना है, आपको सिंगल दुल्हन का फ़ोटो लेना है। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको कौन सी फ्रेम में कौन सा फ़ोटो शूट करेगा। तो आप पहले फ्रेम देख लीजिए किस हिसाब से फ्रेम है, तो हमारे हार्ट शेप में फ्रेम है, तो यहाँ पर आपको क्रॉप करेंगे तो क्रॉप पर आपको हार्ट शेप में फ्रेम मिल जाएगी, तो हार्ट शेप में क्लिक कर दीजिएगा और इस तरीके से जो आप फ्रेम को रख दीजिएगा। तो हमें इस वाली फ्रेम में सेट करना है, तो सेंड टू बैक कर दीजिएगा, तो मैंने सेंड टू बैक कर दी। ठीक है, और यहाँ पर आपको ले जाना है। ठीक है, और इसमें सेम प्रोसेस करना है जैसे आपने बोट में किया था, तो उसमें इस तरीके से ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ले जाइए और साबिक आइकन पर कप को क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं साबिक आइकन पर है जो क्लिक कर देता हूँ, पहले इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे फ्रेम चलती है उस हिसाब से फ्रेम बड़ी होती जाएगी, तो आपको फ़ोटो भी बड़ा करते रहना है। ठीक है, और नेक्स्ट फ्रेम ये वाली आती है, तो नेक्स्ट फ्रेम ये वाली आती है, इसमें भी आपको जो है फ्रेम सेट करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से है जो यहाँ पर कौन सी फ्रेम सेट करनी है आपको मैं वो भी फ़ोटो में बता दूंगा, तो आप उस हिसाब से फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसा आपको फ़ोटो एक आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं इस तरीके से, इस साइज़ की फ्रेम में, तो ऐसा भी मेरे पास फ़ोटो है, तो मैं वो फ़ोटो भी आपको सेट करके बता दूंगा। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं दोबारा ये सारे फ़ोटो जो यूज़ किए हैं वो उनका लिंक भी है जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। ठीक है, इस तरीके से फ़ोटो आपको लेना है कपल्स साथ में दोनों का, ये खड़ा फ़ोटो है, इसको सेंड टू बैक कर देना और इस फ्रेम में इस तरीके से सेट कर देना है। ठीक है, और साबिक आइकन पहले लेयर कर दीजिएगा जितना आपकी फ्रेम है उस हिसाब से,
और सभी के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहले क्रॉप कर लेते हैं लेयर के हिसाब से। तो ये इतना है। अब आपको क्या करना है, सभी के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पे प्लस आइकन पर क्लिक करके दूसरे सिरे से, पहले सिरे से दूसरे सिरे पर ले जाना है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे ही फ्रेम है डाउन अप करेगी, डाउन अप करते ही फोटो साथ में डाउन अप करेगा। अब तीसरी फ्रेम हमें मिलती है, वो है दूल्हे की। ठीक है, तो इस दूल्हे वाली फ्रेम में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर भी एक फ़ोटो सेलेक्ट करें। तो मेरे पास कोई दूल्हे की फ़ोटो तो मुझे मिली नहीं, तो मैं यहाँ पर मैं सिंपली है जो मेरी खुद की फ़ोटो है वो लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेरी एक फ़ोटो लगा कर आपको बता देता हूँ किस तरीके से जो है लगानी है। तो ये थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं दूसरी फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाली फ़ोटो है, ये वाली फ़ोटो मैंने एडिट कर रखी है, तो इस पे को मैं क्रॉप कर दूंगा। ठीक है, क्रॉपिंग पर क्लिक करते हैं। क्रॉपिंग पर क्लिक करके यहाँ पर जो आपको पहले फ़ोटो को क्रॉप कर लेना है। ठीक है, तो मेरी सिंगल खुद की फ़ोटो है उसको ही रखना है, तो मैं क्रॉपिंग पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर है जो इसको इस तरीके से है जो एडिट कर लेते हैं अपन, क्रॉप कर लेते हैं, एडिट सॉरी नहीं कर सकते, क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये फ़ोटो है क्रॉप कर ली और इसको राइट नाउ पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, राइट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, दोबारा करते हैं जो सेलेक्ट लेना इफेक्ट। ठीक है, तो हार्ड शेप में, तो यहाँ पर मैं हार्ड शेप में सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस फोटो को में हमको साथ में सेट करना है, तो यहाँ पर ले जाते हैं और सेंड टू बैक पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए और सेंड टू बैक पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और इसको है जो यहाँ पर आप जैसे जैसे फ्रेम खींचती है और बड़ी होती है उस साथ में उस हिसाब से ले आइएगा। ओके, तो प्लस आइकन पर क्लिक कीजिए और इस तरीके से यहाँ पर ले आइएगा। तो आप यहाँ पर इस तरीके से सेट करके इस तरीके से वीडियो है जो वो एडिट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों बहुत अच्छी वीडियो बनने वाली है, अगर आप बनाना चाहेंगे अपने वेडिंग की वीडियो तो बहुत अच्छी वीडियो बनेगी। तो मैं इसको थोड़ा लेयर कम किया था, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ। तो अगर आपको अपने सबिक आइकन पर क्लिक करके टिक कर दिया और इसको नहीं हटाना आता है, तो दोबारा माइनस के पर क्लिक कीजिए और हट जाएगा। तो हम है जो दोबारा कर देते हैं। तो ये है जो एक्सिम क्लू है, एक्सिम क्लू बोले तो अगर आपको जो चीज़ नहीं करनी आती है वो आपको फोकट में सीखने को मिल जाएगी कि भाई माइनस कैसे करना है। अगर हम बना लें तो फोटो डिलीट कर देते हैं, कई लोग डिलीट नहीं करना है, आपको माइनस पर क्लिक कर देना है। माइनस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगी, प्लस पर क्लिक करेंगे तो प्लस जाती है, आगे जाने का होता है, और माइनस पर क्लिक करेंगे तो आपको बैक ले जाएगी। ठीक है, वो इस तरह हो जाएगी वहाँ पर ही इस तरीके से। तो दोस्तों बहुत अच्छी वीडियो बनी है, अगर आप भी चाहें तो अपने फ़ोन में ट्राई कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार है मेहमान हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि नए वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ, वेडिंग वीडियो, फेस्टिवल वीडियो। तो हम प्ले करके एक बार वीडियो को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितनी इंटरेस्टिंग वीडियो बनी है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी ज़्यादा होने वाली थी, इसलिए मैं एक्स्ट्रा पार्ट हटा देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम ऐसे ही चलाएंगे तो। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।